तो अगर इस कीबोर्ड और इस माउस को दोस्तों हमको मोबाइल फोन में अपने अटैच करना होगा तो हम किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी देख सकते हैं दोस्तों। आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही टाइपिंग सीख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फिर भी दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आज हम बात करेंगे कि अपने मोबाइल फोन में टाइपिंग कैसे सीखें, वो भी कीबोर्ड और माउस को अटैच करने के बाद। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। अगर दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक बने रहते हैं तो दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं, वो भी बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं होगा और आप सभी लोग सोचते होंगे कि हम अपने फ़ोन में टाइपिंग कैसे सीखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, स्पेशल आपके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। अगर दोस्तों आप जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो में हम आपको दो चीजें बताएंगे। सबसे पहली चीजें बताएंगे कि दोस्तों अपने मोबाइल फोन में हम इस कीबोर्ड और इस माउस को कैसे अटैच करेंगे मोबाइल फोन में, और दूसरी चीज बताएंगे दोस्तों कि हम अपने मोबाइल फोन में टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं और भी किस ऐप से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको अगर इस कीबोर्ड और इस माउस को दोस्तों हमको मोबाइल फोन में अपने अटैच करना होगा तो हम किस किस चीज की जरूरत होगी। सबसे पहले दोस्तों आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, वो भी स्मार्टफोन। और दूसरी बात दोस्तों, आपके पास अगर आप दोस्तों कीबोर्ड और इस माउस को दोनों को अपने मोबाइल फ़ोन में अटैच कराना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जो कि है दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक USB हब होना चाहिए। USB हब जैसे दोस्तों इसमें 200 से लेकर 300 रुपए तक आपको ये मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा USB हब के नाम से। उसके बाद दोस्तों आपके पास बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि माउस तो होना ही चाहिए दोस्तों। उसके बाद कीबोर्ड तो आपको कंपलसरी होना है दोस्तों, जिससे आप टाइपिंग सीखेंगे। उसके बाद सबसे दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है दोस्तों, आपको ये OTG चाहिए जो कि मार्केट में 30 से 40 रुपए के अंदर आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक टाइप टाइप सी रहेगा या तो टाइप बी, जो आप जो भी आपका अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग का जो पिन होता है उसी हिसाब से ये रहेगा, और एक साइड USB रहेगा। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे हम लगाएंगे अपने स्मार्टफोन में। तो दोस्तों सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आपको इसको लगा लेना है बहुत ही सावधानी से। उसके बाद अब आप अपने USB हब को लेंगे, उसके बाद आप इसमें सबसे पहले माउस को लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों अब आप माउस को लगाने के बाद इसी तरह से जैसे ही माउस को लगाएंगे उसी तरह से दोस्तों आप अपने कीबोर्ड को भी इसमें लगा देंगे। अब दोस्तों आपके पास ये एक बचेगा, इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के जहाँ पे आप OTG लगाए हैं इसको आप यहाँ से ऐसे आसानी से बहुत ही आराम से बहुत सावधानी से इसको इसमें लगाएंगे। जैसे लगाएंगे दोस्तों उसके बाद आप में यहाँ पे आपके माउस में यहाँ पे बत्ती जलेगा, अगर नहीं जलेगा तो जान लीजिएगा कि अभी तक आपने सही से नहीं लगाया OTG में। ये दोस्तों देखिए, ये हमारा सक्सेसफुली लग चुका है। अब दोस्तों आपको तो पता चल गया कि माउस में हमारे लाइट आ रहा है, उसके बाद माउस हमारा वर्क कर रहा है, उसके बाद कैसे पता करेंगे कि हमारे कीबोर्ड में आ रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आप नम लॉक की को प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही नम लॉक की को प्रेस किया ये छोटी सी बत्ती हमारी जो वाइट कलर की है ये ब्लिंक करना चालू कर दी। उसके बाद दोस्तों अब आप इसको यहाँ पे आराम से इसको रख देंगे इस तरह से। उसके बाद अब आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बिहेव करेगा। आई होप आप लोगों को हमारा जो मोबाइल सही से दिख रहा हो। अब दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में जैसे देखिए, यहाँ पे मेरा माउस का जो कर्सर है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं आपको यहाँ पे नज़दीक में ला के दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा जो माउस का कर्सर है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब दोस्तों आपका ये माउस और कीबोर्ड आपके मोबाइल फ़ोन में लग चुका है। अब आपको टाइपिंग सीखने के लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों वर्ड। आपको यहाँ पे वर्ड के नाम से एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस वर्ड को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वर्ड ऐप आपको प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर प्ले स्टोर से आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ से जाइएगा आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वर्ड को ऐप को हम ओपन कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे वर्ड ऐप पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाएंगे। प्लस के आइकन पे जाने के बाद दोस्तों ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे आसानी से इसको रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन को रखने के बाद अब आप आसानी से टाइपिंग को सीख सकते देख सकते हैं दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही टाइपिंग सीख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में यहाँ पे आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल कर रहे हैं, कर ले रहे हैं, उसके बाद कंट्रोल B करेंगे तो ये हमारा जो
मैटर था ये बोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।